नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल का हम दिखा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दरभंगा के डीएमसीएच के एक्स सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.आर. प्रसाद, जो रिटायर होने के बाद अब अपने क्लिनिक पर पूरा ध्यान दिए, पूरा आधुनिक उपकरणों के साथ सुसज्जित है उनका प्रसाद पॉली क्लिनिक, जो कैदराबाद में है, अवस्थित है। लगातार हम बता दें, उनके यहाँ जो 6 डॉक्टर है वो एक्सपर्ट डॉक्टर है मेडिसिन के अलावा। खासकर हम बता दें, डॉक्टर आर.आर. प्रसाद की पत्नी है सीमा प्रसाद, जो डीएमसीएच में ही अभी एचओडी है गैनिक विभाग के। इसके अलावा उनके पुत्र और कई डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ वहां मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने करीब इस बार 17 आईसीयू बेड तैयार किया है। पिछली बार कोरोना संक्रमण के दौरान उनके यहाँ करीब 320 मरीज वहां पर एडमिट हुए थे, जिसमें से 18 मरीज की मौत हुई थी, बाकी सभी रिकवर होकर के वापस आ गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस बार उन्होंने अपने हॉस्पिटल को पूरी तरह तैयार कर लिया। तो देखिए एक रिपोर्ट प्रसाद पॉलीक्लिनिक से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इसमें हम लोगों ने, जिसके संस्थापक मैं हूँ और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उत्सव राज हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष भी देखा कि हम लोगों ने कोविड के समय में जो मरीज को हम लोगों ने यहाँ रखा था, उसके साथ जो हम लोगों ने इलाज किया, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी ही। इस बार जो तीसरी लहर की बातचीत चल रही है, इसमें हम लोगों की जो तैयारी है, वो पिछले साल जो हम लोग के यहाँ आईसीयू के 8 बेड थे वो हैं तैयार, एनआईसीयू के 10 बेड थे वो हैं, एचडीयू के 4 बेड थे वो हैं, और ये हमारा कोविड के सीरियस मरीजों के लिए है। अच्छा, डॉक्टर कितने यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ हम लोग के यहाँ 4 डॉक्टर हैं और 30 पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। इमरजेंसी में हमारे यहाँ 2 बेड है, सेमी डिलक्स है, ओटी है, 16 जनरल वार्ड है, लेबर रूम है और सीपैप है, 2 वेंटिलेटर है, डायलिसिस की सुविधा है, सेंट्रल लाइन है, बी पैप है, 3 सेंट्रल लाइन वैक्यूम है। हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक है, हमारे यहाँ जांच की सुविधा है सभी तरह के। यहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं यहीं सब की जांच हो जाता है। हमारे यहाँ वो डिजिटल एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड है, मेडिकल शॉप भी है जो 24 आवर्स रनिंग रहती है, और स्टाफ भी उसमें 24 आवर्स रहते हैं। ये सारी सुविधा सब रहते हैं। और जो भी कोविड के इलाज के लिए पिछले साल जो हम लोगों का अनुभव हुआ, उससे हम लोगों ने जो और कुछ लगा कि ये भी होना चाहिए था, कुछ बेड की संख्या बढ़ाई है हम लोगों ने, कुछ स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, और जो ट्रेनिंग जो ट्रेंड स्टाफ थे उससे ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है इस बार, जैसा जिस तरह की। और हम लोगों ने एक फर्स्ट लाइन एक सेकेंड लाइन भी रखा है। फर्स्ट लाइन स्टाफ हम लोग के यहाँ काम करते थे, सेकेंड लाइन स्टाफ भी रखा, और हम लोगों ने उन लोगों को रेस्ट देने की सुविधा भी की है। जो हमारे कर्मचारी जो काम करते हैं थर्ड ग्रेड पर फोर्थ ग्रेड, उन लोगों की सुविधा का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। जो सरकार की ओर से जो पैसे का ये था, वो हम लोगों ने सिर्फ उसी में हम लोगों ने उसका रख रखाव, ऑक्सीजन, खाना सब हम लोगों ने दिया, दवा और जांच की अलग से उसको देना था। और ऐसा भी हुआ कि बहुत लोग जो काफ़ी आर्थिक तंगी और या कुछ इस तरह का दिखाए, तो हम लोगों ने उनको कंसेशन भी दे दिया। तो इस तरह की व्यवस्था थी। और विथ ह्यूमन टच जो इलाज करना है, मरीज को सिर्फ एक कस्टमर नहीं समझना है, कोविड से जो पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक शारीरिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, टूट जाता है लगभग, उन लोगों को सभी लेवल पर हम लोग उनका इलाज करते हैं, और जहाँ तक हो सकता है पूरे मानवीय आधार पर मानवीय चीज़ों को देखते हुए उन लोगों से पैसे का डिमांड होता है। अगली बार बहुत सारे जगह देखे सर ऑक्सीजन का किल्लत था, तो इस बार किस तरीके से तैयारी की हुई है? ऑक्सीजन की किल्लत कुछ इस तरह था कि पिछले बार भी मेरे यहाँ नहीं हुई, और अभी भी मेरे पास ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें ऑक्सीजन का जो हम लोग का चेन है इस तरह से मेंटेन हुआ, जो पिछले बार भी तंगी नहीं हुई, इस बार तो और हम लोगों ने बढ़ा दिया है, उसकी तंगी भी नहीं होगी। यहाँ जो ड्यूरेशन था कोविड पेशेंटों के जो यहाँ एडमिट हो रहे थे, लगभग औसतन 125 से 128 तक यहाँ भर्ती रहे,
और लगभग रिकवरी बहुत ही अच्छा ठीक ठाक रहा। तीन चार जो कि बहुत ही गंभीर हालत में आए थे उनको बेंट वगैरह यूज़ करने पर भी वो चाहे नहीं जा सके, तो हम लोगों ने जनरली सबको उसी तरह में रखा था आईसीयू की व्यवस्था के साथ साथ, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाए। इस बार हम लोगों ने उसका और बढ़ाया है, 8 बेड और बढ़ाया है, जिसको कि हम लोग गंभीर मरीजों के लिए बढ़ाया है, जिसका के इलाज हम लोग कर सकते हैं। टाइट फिटिंग मास्क, मास्क को अच्छी तरह से लगाना है, 2 गज की दूरी और उसके बाद सैनिटाइजेशन और हाथ का धुलना, यही चीज़ इसमें सिर्फ रखना है। अगर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच सकेंगे। वैक्सीनेशन तो है ही, अब जैसा भी हो वैक्सीनेशन के कारण बहुत जितना सीवियरिटी होता था कोविड में, उतनी सीवियरिटी अभी तक जो हम लोगों ने मरीजों को देखा है उसमें जरूरत नहीं पड़ी है। एक भी हॉस्पिटलाइजेशन मेरे यहाँ अभी तक ओमाइक्रॉन के कारण नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है ओपीडी के तौर पर देखा गया है वो अपने होम आइसोलेशन में। अभी तक कोविड के लिए टीकाकरण की व्यवस्था भी है, पहले जो हम लोगों ने कोविशील्ड का वैक्सीन दिया था फ्री कैंप यहाँ लगा था करीब 3 महीने तक, उसके बाद फिर जब दूसरे जगह लगने लगा कैंप स्कूलों में, कुछ DMCH में, नगर भवन में, तो हम लोगों ने कुछ प्राइवेट के तौर पर 25% का किया गया था, वो हम लोग के यहाँ अभी अवेलेबल है, हम लोग उसको देते हैं, और जो चाहते हैं कि प्राइवेट में लेंगे तो वो देते हैं, और उनका सर्विस चार्ज सिर्फ 150 रुपया जो चार्ज है वो, और 150 रुपये। कोविड का ही एक वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, और जो इस बार जितने भी अभी कोविड के केसेस सामने में आ रहे हैं वो साधारणतया ओमाइक्रॉन के वजह से ही है, और इसमें भी लगभग वही सिम्टम होते हैं, सिर्फ ये देखने में आया है उसमें जितना जल्द ऑक्सीजन लेवल घटता था उस तरह का ऑक्सीजन लेवल इसमें नहीं घटता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा संक्रामक है, ये उससे ज़्यादा इन्फेक्टिव है, लोगों को अपना शिकार बनाता है, और इसके लिए भी वही सब एहतियात। पिछले साल है ना जो कोविड लेके परेशानी तो झेलना पड़ा, एकाएक कोविड आ गया, ठीक है, तो उसमें परेशानी मोस्टली डेथ बॉडी जो मतलब कि जो भी पेशेंट डेथ करते थे उनके गार्जियन को कॉल किया जाता था तो वो एग्री जल्दी नहीं हो पाते थे बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर उसको किसी तरह कन्विंस करके उसको भेजने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा था, और ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम काफ़ी झेलनी पड़ी, ऑक्सीजन टाइमली नहीं आ पाता था, जैसे सवेरे ऑर्डर दिए फिर शाम तक